तो एक स्पष्ट निर्णय आए, क्वालिटी प्रतिनिधि आए, तो उसको देखते हुए ये एक आवश्यकता थी। मैंने मुझे समय के हिसाब से मुझे कहना निराशा। देखिए, कल मैं आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम में था, उनको सम्मानित करते हुए कुछ आंदोलनकारियों की पीड़ा थी कि राज्य बनने के बाद विकास नहीं हुआ। मेरा तो स्पष्ट मानना था कि 22 वर्षों में हमने विकास की काफ़ी लंबी यात्रा करी, लेकिन अभी माइल्स टू गो, बहुत आगे जाना है, और इसके लिए निश्चित रूप से ये एक निरंतर प्रक्रिया है, लगातार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राज्य बनने से पहले की परिस्थिति और आज 22 वर्षों की परिस्थिति का जब तुलनात्मक आप देखेंगे, तो चाहे विद्युतीकरण का क्षेत्र हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पीने के पानी को गांव-गांव पहुंचाने का मामला हो, हर मामले में हमने सैकड़ों गुना ज़्यादा प्रगति की है। तो लेकिन मेरा उनसे यह था कि मैंने उनसे कहा, देखिए, केवल राज्य आंदोलन का, राज्य का आंदोलन लड़के केवल आंदोलनकारी बनना, पेंशन प्राप्त करना, इसी के लिए राज्य का आंदोलन आप लोगों ने नहीं लड़ा, इस राज्य को बनने के बाद बनाने में भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आप क्वालिटी पॉलिसी मेकर्स का चयन नहीं करेंगे, तो तब तक आप अच्छी पॉलिसी नहीं बन पाएंगी और राज्य उस गति से नहीं दौड़ पाएगा जिस गति दौड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव में शराब का प्रचलन, जातीय उन्माद, पैसे का प्रचलन होगा। जब तक इसको किनारे फेंक के और उसी परिप्रेक्ष्य मन का कि अगर आपको लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन आज आंदोलनकारी ताकतों को एक जन जागरूकता का काम भी करना चाहिए कि चुने उसे जो लायक हो, इस बात को लेकर इसी परिप्रेक्ष्य मैंने कहा था। तो इन जो राजनीति में जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उससे खिन्न होकर आपने कहा कि निश्चित रूप से, देखिए, राजनीति में आज राजनीतिक हथकंडे अपनाने वाले दोषी नहीं है, उन हथकंडों से प्रभावित होकर वोट देने वाले दोषी हैं। आप तो अपने जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको आपके अपने विधानसभा के, अपने लोकसभा के भविष्य का निर्माण लेना है, करना है, अगर वो इन चीजों से प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से इससे निर्णय भी प्रभावित होगा। तो एक स्पष्ट निर्णय आए, क्वालिटी प्रतिनिधि आए, तो उसको देखते हुए ये एक आवश्यकता थी। मैंने मुझे समय के हिसाब से मुझे कहना आपको आज के वातावरण में लोकतंत्र में इन चीजें, इनका प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, इसको रोकना चाहिए। अब आप मतलब तो आप अपग्रेड का मतलब ये है कि अब लोकसभा के लिए, देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और पार्टी ने समय जो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी का निर्वहन करना ये मेरी जिम्मेदारी, ये कर्तव्य भी है और इसको मैं निभा रहा हूँ। नहीं, अभी आप सोचने और भी सोचेंगे, आप सोचते, देखिए, हमारा सोचना नहीं, पार्टी को निर्णय लेना होता है, नरेंद्र सीट से हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, निर्णय पार्टी देती है। फिर भी इच्छा, अरे राजनीति में आप ऐसी बात करते हो, राजनीति में जो आदमी कहे कि उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है, इसका मतलब वो राजनीति में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।